Hello everyone. Now we are going to counter a problem that was asked in JAM 2017. इस problem के अंदर हमें पूछा गया है कि out of these four कौन सा वाला correct set of reagent है जो हमको ये particular transformation के अंदर help करता है. ठीक है, इस problem के अंदर दो concept involved हैं. पहला benzyne chemistry, दूसरा diazotization. मैं ऑलरेडी बेंजाइन केमिस्ट्री के ऊपर एक लेक्चर बना चुका हूं, आप चाहे तो मेरी वीडियो देख भी सकते हैं. और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हमें मिल सकती हैं. तो लेट अस सी कि इन चारों में से विच इज द करेक्ट सीक्वेंस विच विल हेल्प अस यू नो गेट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. सबसे पहले हम देख लेंगे कि हर एक के अंदर क्या क्या बनता है, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए. सबसे पहले ऑप्शन ए देख लेते हैं. ठीक है, ऑप्शन ए मैंने लिया, मेरे पास ये कंपाउंड है और ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमो है. व्हाट आई डिड इन फर्स्ट स्टेप, आई डिड सोडामाइड एंड लिक्विड अमोनिया. अगर फर्स्ट स्टेप के अंदर मेरा है सोडामाइड एंड लिक्विड अमोनिया और हमको पता है अंडर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन लाइक सोडामाइड we end up getting benzyne as an intermediate. So benzyne बनता है. So this is an intermediate which is formed during the reaction. Okay, at the same time अगर molecule में कोई भी nucleophilic species present है तो वो attack करेगी. Now अगर आपने मेरा वाला talk सुना है benzyne chemistry पे तो आपको immediately समझ आ जाएगा कि ये attack इस particular position पे क्यों होता है. ठीक है, तो this NH2 attacks on this particular position to get this compound. ठीक है, this is just to say whenever we have groups like OME or OMOM, that is methoxy methyl groups, then the addition of a nucleophile is exclusively on metaposition. Okay, you can go to the video and it's a very very good video on benzyne chemistry. It is surely going to help you. So this is the product form after step one. Step second के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, डायजोटाइजेशन केमिस्ट्री कर रहे हैं NaNO2 और HCl डाइल्यूट HCl. और इसके अंदर हमें पता है कि इस स्टेप से हमारे एरोमेटिक एनिलीन जो होते हैं एरोमेटिक एमीन्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू डायजोनियम सॉल्ट्स. सो वी हैव दिस N2 प्लस Cl माइनस और इन द थर्ड स्टेप के अंदर हम कॉपर साइनाइड डाल रहे हैं और हीट कर रहे हैं. सो व्हाट वी आर गेटिंग इज this cyanomolecule attacks and it releases the nitrogen gas. So क्योंकि और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा क्या बन रहा है, strong carbon carbon bond बन रहा है. So this is the product that we get. तो हमने देखा कि sequence one तो बिल्कुल सही है, is absolutely right, क्योंकि sequence ones use करके हमको transformation हो रहा है. Now let us see कि बाकी दूसरे cases के अंदर भी ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Now let us look at B. So, हमारे पास वी हैव दिस पर्टिकुलर कंपाउंड एंड फर्स्ट स्टेप इट सेज इज नाइट्रेशन. ओके, सो अगर हम देखें इसके अंदर, लेट अस सपोज नाइट्रेशन क्या है कि इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन रिंग. तो मिथॉक्सी ग्रुप जो होते हैं, मिथॉक्सी ग्रुप होते हैं ऑर्थो डायरेक्टिंग और या फिर पैरा डायरेक्टिंग, मतलब इन पोजिशन पे ब्रोम होना चाहिए, नाइट्रेशन होना चाहिए. और हमको होता है ब्रोमीन भी तुम्हारा क्या होता है, इट इज वीकली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब इसकी ऑर्थो या पैरा. ठीक है, एंड इट इज स्ट्रॉन्गली मेटा डायरेक्टिंग, ये हमको चीज पता है. तो इसका मतलब कोई भी अगर नाइट्रो ग्रुप आएगा वो आएगा इस पर्टिकुलर पोजिशन पे यहां. बट हमको जो सब्स्टिट्यूशन है अपना क्या चाहिए, मेटा टू मिथॉक्सी. तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. अगर आप ये भी देख सोचोगे ना, इसके बाद आप चलो ठीक है नाइट्रो लगा दिया, जिंक HCl कर लिया, सब कर लिया, कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो भी होगा आपका इस पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा, मतलब ब्रोमीन तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा. ठीक है, तो आपका इस पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा नाइट्रेशन. ठीक है, लेट अस लुक एट ऑप्शन सी. ऑप्शन सी के अंदर अब वो बोल रहा है कि अब इसको हमने ट्रीट कर दिया मिथाइल सॉरी मैग्नीशियम इन ईथर. इसका मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट ग्रिग्नार्ड केमिस्ट्री, ही वांट्स टू गो अहेड विद ग्रिग्नार्ड केमिस्ट्री. बट व्हाट ही हैज डन इज ओके, सो व्हाट ही हैज सेड, वी हैव मेड दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
एंड वी नो, हमको पता है कि बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर हाईली मॉइस्चर सेंसिटिव, कहीं पर भी मॉइस्चर सेंसिटिव और सोर्स ऑफ प्रोटॉन मिल जाए ना इमीडिएटली क्वेंच हो जाते हैं। इन्होंने इमीडिएटली क्या किया, एसिडिक वाटर ऐड कर दिया, एसिडिक वाटर ऐड कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, आपको केवल ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी करते रहो, कोई भी सीक्वेंस करते रहो, सीक्वेंस इनकरेक्ट है। सिमिलरली ऑप्शन डी के अंदर भी दे हैव डन द सेम थिंग, सो इट मींस दीज ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, सो इट इज ऑप्शन वन विच गिव्स अस द डिजायर्ड प्रोडक्ट। सो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को लॉजिकली अप्रोच करना है, तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपके लिए कुछ क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।